हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम योर EBS टीचर। EBS में आप लोगों के दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका थर्ड चैप्टर माय फैमिली चल रहा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर, दैट इज माय फैमिली। व्हाट इज फैमिली? व्हाट इज फैमिली? फैमिली क्या होती है? आप लोग जानते हैं फैमिली क्या होती है? फैमिली का मतलब होता है परिवार। फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार, यानी जिस फैमिली में हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फैमिली। फैमिली में कौन कौन रहता है? मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ये सब हमारे पर साथ में रहते हैं, तो ये सब हमारा क्या है? परिवार, यानी फैमिली। ये हमारी फैमिली होती है, यानी वी ऑल लिव इन ए फैमिली। हम सभी कहाँ रहते हैं? फैमिली में रहते हैं। फैमिली को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज स्मॉल फैमिली। फर्स्ट इज स्मॉल फैमिली, सेकेंड लार्ज फैमिली एंड थर्ड ज्वाइंट फैमिली। कितने पार्ट्स हुए हमारे? थ्री, स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली में हमारे कौन कौन आते हैं हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी क्या है? एक स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली में कौन है? मॉम, डैड, यानी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड यू। ये हमारी क्या है? स्मॉल फैमिली है। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। इसी को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, इसी को हम स्मॉल फैमिली बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड क्या है? लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली कौन सी है हमारी? लार्ज फैमिली में कौन कौन आते हैं? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड यू। ये हमारी क्या है? लार्ज फैमिली है, यानी जिसमें स्मॉल फैमिली से ज़्यादा मेंबर होते हैं। यानी इसमें कौन है? ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं और मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। ये हमारी फैमिली कौन सी हो गई? लार्ज फैमिली हो गई। यानी स्मॉल फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वो हमारी स्मॉल फैमिली होती है। और लार्ज फैमिली में हमारे दादी, बाबा, मम्मी पापा, भाई बहन जब साथ में रहते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? लार्ज फैमिली बोलते हैं। और थर्ड फैमिली कौन सी थी हमारी? ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार। ज्वाइंट फैमिली को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। संयुक्त मीन्स यानी एक साथ कई लोग हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ये क्या है? हमारी ज्वाइंट फैमिली है। इसमें कौन कौन है? देखो, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर, फादर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, कज़न एंड यू। यानी इसमें हमारे कई मेंबर साथ में रहते हैं। यानी कौन कौन? जैसे ग्रैंड फादर, मदर, मम्मी पापा तो रहते हैं, प्लस अंकल, आंटी, उनके बच्चे, उनको क्या बोलते हैं हम? अंकल आंटी के बच्चों को, चिल्ड्रन को, कजन्स। क्या बोलते हैं? कजन, यानी कजन, ब्रदर, सिस्टर, यू। तो ये हमारी फैमिली कौन सी होती है? ज्वाइंट फैमिली होती है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। यानी ये ज्वाइंट फैमिली। यानी हमारी फैमिली कितनी हो गई? थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? स्मॉल, लार्ज एंड ज्वाइंट फैमिली। तो ये आज हमने आपको फैमिली के बारे में बताया, यानी थ्री फैमिली के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यानी ये थर्ड चैप्टर जो आपका माय फैमिली है वो हमने आपको समझा दिया। आप इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको भेजेंगे, जो आपको नोटबुक में लिखने होंगे। ओके, और अगर आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रहिए, मन लगा के पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी EBS टीचर से पूछ सकते हैं EBS के बारे में। ओके चिल्ड्रन, ओके, बाय।